नमस्कार, पीपीएफ लाइव में आपका स्वागत है। आइए नजर करते हैं फरुखाबाद की कुछ प्रमुख खबरों पर। आरपीएफ चौकी प्रभारी फतेहगढ़ प्रशांत यादव ने एक बार फिर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्राफा व्यवसायी का खोया हुआ मोबाइल उसे ढूंढकर उन्हें वापस कर दिया है। फतेहगढ़ के रहने वाले सर्राफा व्यवसायी विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र दयाशंकर अग्रवाल का मोबाइल ट्रेन में छूट गया था, जिसे आरपीएफ चौकी प्रभारी प्रशांत यादव ने बरामद किया। उन्होंने विवेक कुमार अग्रवाल को बुलाकर 12,000 रुपए कीमत का मोबाइल उन्हें सौंप दिया है। श्री अग्रवाल अपनी पत्नी को कोटा जाने के लिए ट्रेन संख्या 022-43 में छोड़ने गए थे। जल्दबाजी में वह अपना मोबाइल रेलवे स्टेशन की बेंच पर ही छोड़कर चले गए। आरपीएफ में तैनात सिपाही मनदीप सिंह की नजर जब उस मोबाइल पर पड़ी तो उन्होंने चौकी प्रभारी प्रशांत सिंह यादव को अवगत कराया और मोबाइल बरामद करने के बाद रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी कराया गया, लेकिन तब तक विवेक अग्रवाल अपने घर जा चुके थे, इसलिए उन्हें इस बात की जानकारी नहीं हुई। फिर चौकी प्रभारी ने मोबाइल में मौजूद नंबरों से उसके स्वामी का पता लगाया और उन्हें फोन कर मोबाइल ले जाने की बात कही। जब इसकी जानकारी विवेक अग्रवाल को हुई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह आनंद फानन में आरपीएफ चौकी प्रभारी से मिलने पहुंचे, जब उन्होंने श्री यादव ने सही सलामत मोबाइल सुपुर्द कर दिया। इससे पहले भी श्री यादव इस तरह के काम कर चुके हैं। यात्रियों को खोया हुआ सामान उन्होंने कई बार वापस किया है। बीते दिवस ही एक सैन्य कर्मी का बैग उन्होंने सकुशल उपलब्ध कराया था, जो कि ट्रेन में ही छूट गया था। श्री यादव के हाथों मोबाइल पाकर विवेक अग्रवाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विवेक अग्रवाल ने बताया, उनका मोबाइल व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था, जिसका मिल जाना बहुत ही खुशखबरी की बात है। उन्होंने पूरे आरपीएफ स्टाफ को इसके लिए बधाई भी दी है।